हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अनदर लेक्चर ऑन प्रेजेंटेशन स्किल। होप यू विल एंजॉय द लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस अबाउट व्हाट आई हैव टू डू ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, व्हाट आई हैव नॉट टू डू ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, क्या हमें करना है क्या हमें नहीं करना है। लेकिन आज हम प्रेजेंटेशन डे को क्या करना है और उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे प्रेजेंटेशन के, और किन किन पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना है उसका डिस्कशन करेंगे। तो हम अभी आपको अपना स्लाइड शेयर करते हैं आपके सुविधा के लिए, और उसके बाद फिर शुरू करते हैं इसको। ओके, तो इट विजिबल? ओके, सो इज इट वेरी वेल? ओके, सो प्रेजेंटेशन डे, अ नाइट बिफोर, कल प्रेजेंटेशन है और आज शाम को, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? आप अपने आप से आपको पूछना है कि आप कहाँ जा रहे हो। प्रिपेयर आउटफिट, पोशाक आप जो भी है उसको तैयार रखें कि कल हमें जो प्रेजेंटेशन देना है कौन सा हमारा ड्रेस होगा, कौन सा पोशाक होगा, किस गेटअप में हमें जाना है। डबल चेक नोट्स, क्यू कार्ड्स, यदि जो भी है आपका नोट्स है कार्ड्स है उसको आप दोबारा चेक कर लो। डबल चेक बैग इज पैक ना, आप जब बैग आप पैक कर लेते हो वो भी डबल चेक कर लो कि इट इज ओके। स्लीप और पार्टी, सोना है कि पार्टी करना है ये भी ध्यान दो ना। योर प्रेजेंटेशन डे यानी जो आपका प्रेजेंटेशन का दिन है उसमें क्या, बी अर्ली, पहले जग जाओ। चेक रूम सेटअप, चेयर टेबल, जिस रूम में आपको प्रेजेंटेशन देना है वहाँ आप पहले पहुँच कर और उसका सेटअप आप चेक कर लीजिए। ओके, ठीक ना, कि चेयर टेबल सब सही है कि नहीं, लाइट साउंड है कि नहीं प्रॉपर, लाइट है कि नहीं प्रॉपर, टेम्परेचर क्या है ना, सेटअप आईटी जो है कि आईटी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है उसका सेटअप चेक कर लो। मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग, यानी आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि प्रेजेंटेशन वाले दिन, प्रेजेंटेशन वाले प्लेस पर सब कुछ सही है। प्रेजेंटेशन डे 15 मिनट, यानी प्रेजेंटेशन के दिन 15 मिनट पहले आपको क्या करना है, मीनिंग सॉरी मैनेजिंग नर्वस। एक्चुअली होता है कि जनरली अक्सर जो बहुत लोग हैं सामने और वहाँ प्रेजेंटेशन देना है तो थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ जाती है, थोड़ी हम बेचैन सा हो जाते हैं। सो हु आर यू, पहले आप अपने आप से पूछो कि आप कौन हो, अपने आप को आप जानो। रिलैक्स्ड एंड कॉम ना, थोड़ा सा आप जो है कि आराम और शांत रहो। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को लाओ। देन स्लाइटली अप्रिहेंसिव, थोड़ा सा समझदार बनो। वेरी नर्वस, ज़्यादा आपको चिंतित भी नहीं होना है, टेरिफाइड नहीं होना, भयभीत नहीं होना है। टेल योर सेल्फ, अपने आप को कहो, क्या कहोगे, यू आर प्रिपेयर्ड, आप तैयार हो, यू कैन डू दिस, आप यह कर सकते हो। टॉप टिप्स क्या है, थोड़ा सा गहरी सांस लो, होल्ड होल्ड इन और फिर उसको आउट करो। ये चीज़ थोड़ी सी है कि आपको नर्वस करने का, कम करने का तरीका, कीप कॉफिंग। एक्चुअली ये उचित चीज नहीं है लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कैफीन इज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट्स ऑफ द मेथाइलॉक्साइन क्लासेज, अवॉइड दिस इट एंड डेवलप योर सेल्फ। एक्चुअली आप भले ही रिकमेंड किया गया है लेकिन आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं इसको आप अवॉइड कीजिए और सेल्फ अपना डेवलप, अपने आप को इतना डेवलप कीजिए कि ये चीज आपके पास आए ही नहीं। इनिशियल स्टेज में होता है, फिर आप जब प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दीजिएगा, बहुत जगह प्रेजेंटेशन आप दे दीजिएगा, फिर ऐसी सिचुएशन आपके पास नहीं आएगी। प्रेजेंटेशन डे, दिस इज इट। अब देखिए कि यह बात है, क्या बात है, इंट्रैक्ट ग्रीट यानी नमस्कार या अभिवादन से जो हम शुरू करते हैं। स्माइल कीजिए, थोड़ा सा मुस्कान चेहरा पर होने चाहिए। चेक वियर मूड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, जो सामने हैं उनका भी थोड़ा सा मूड आप जो है चेक कर लीजिए किस मूड में है प्रेजेंटेशन के दिन। देन री एक्सप्लेन इफ पजल, आप पजल कोई यदि मान लेते हैं कि प्रेजेंटेशन में कोई पजल है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको दोबारा एक्सप्लेन कीजिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर क्वेश्चंस,
जो क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं उसके लिए आप तैयार रहिए। मेक ड्रामेटिक्स पॉजेज टू गेट अटेंशन ना, और आप जो है कि एक ड्रामेटिक पॉजेज रुककर इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए अपने कंटेंट को कि थोड़ा सा अटेंशन जो है कि रिगेन होता रहे ना। ह्यूमर जो है उसको भी आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन शो करना है, कम करना है, जो भी हो, यानी दैट मीन्स द एक वो हास या जोक वगैरह भी आप बीच बीच में करते रहिए ताकि अटेंशन बना रहे लोगों का। स्टिक टू द जर्नी, अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए आप मतलब प्रिपेयर हैं, स्टिक टू यू आर प्रिपेयर्ड एंड स्टे फोकस्ड, स्टे ऑन टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये तीन पार्ट आपके प्रेजेंटेशन के होते हैं। अब जो है कि फाइनल रिमाइंडर, एक्चुअली मैं स्टेप्स अभी काफी डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा ये ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब जो है कि यू एंड योर एंथुसियाज, आप और आपका जो है क्या बोलते हैं उत्सुकता है ना, अंदर से जो इसको हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है आप जो आपको ऊपर दिखते रहना चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए। फाइनल रिमाइंडर है, डोंट रेडी फॉर यू सॉरी डोंट रीड योर स्क्रिप्ट ना। अब ऐसा नहीं है कि आप बस स्क्रिप्ट उठाए उसी से पढ़ना शुरू कर दिए, इसीलिए बोलता है डोंट रीड फ्रॉम योर स्क्रिप्ट। आप सिर्फ अपने स्क्रिप्ट से पढ़ते ही नहीं रहिए, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। यूज योर क्यू कार्ड टू जॉग योर मेमोरी, यानी जो भी आपके सांकेतिक शब्द या जो कुछ भी आप यूज किए हैं कि ये लाइन लिखे हैं और इसमें हमको क्या इस टॉपिक के अंदर बोलना है वो ध्यान रखिए ना, सिर्फ स्क्रिप्ट को पढ़ना नहीं है, ये ध्यान रखना होता है प्रेजेंटेशन में। देन कीप लैंग्वेज सिंपल, आपको अपने लैंग्वेज को भी बहुत सिंपल रखना होता है। ओनली यूज कम्प्लेक्स लैंग्वेज इफ यू आर 100% श्योर, यानी आप जानते हैं कि अपने ऑडियंस के बारे में आपको टोटली श्योर है कि हमारे ऑडियंस कैसे हैं, तब कम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज कीजिए। एकदम लेमैन भाषा में आप बताइए, क्योंकि आपको जो आपका पर्पस है प्रेजेंटेशन का, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, और तब जब आपकी बात उनके पास पहुंच जाए और वो समझ जाए। पॉज बिटवीन पॉइंट, दो पॉइंट के बीच एक पॉज भी मतलब एक रोक स्टे ठहरा होना चाहिए। लुक एट द ऑडियंस ना, ऑडियंस पे भी आपको हमेशा जो है ध्यान देते रहना है, आई कांटेक्ट भी मेंटेन रखना है, बी नेचुरल, एकदम बिल्कुल प्राकृतिक तौर पर एकदम नेचुरल रहिए ना, कोई ज्यादा एग्जिगरेट नहीं करना है अपने आप को। यूज योर हैंड्स एंड फेसियल एक्सप्रेशन एज वेल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ ना, आपको कब हंसना है, कब कब थोड़ा सा सीरियस मूड बनाना है, किस तरीके से आपको कैसे उसको शो करना है, उसके लिए अपना फेसियल एक्सप्रेशन और हैंड का आप प्रयोग कीजिए, ठीक ना। फेस द ऑडियंस नॉट बोर्ड व्हेन एक्सप्लेनिंग, जब कुछ आप बता रहे हैं तो जो ऑडियंस आपके हैं, जो टारगेट ऑडियंस है, उनके तरफ आपका फेस होना चाहिए, ना कि बोर्ड की तरफ और जो प्रेजेंटेशन और पीपीटी है उधर। फाइनली एंजॉय योर मोमेंट, अब ये जो है लास्ट में आप अपने जो है उस क्षण को एंजॉय कीजिए। लेकिन जो है कि स्टेप्स ऑफ प्रेजेंटेशन में आप आइए, उसको डेफिनेशन पहले मैं क्लास में बता दिया हूँ। स्टेप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, स्टेप्स मेकिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, क्या स्टेप्स यूज करना चाहिए कि प्रेजेंटेशन हमारा ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो। स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन स्किल्स, हैंडलिंग क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट विद फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी। तो फर्स्ट जो है फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी हमारा क्या होगा, नो द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन, आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका पर्पस आपको अच्छी तरीके से पता है। नो द ऑडियंस दियर एक्सपेक्टेशन, आप ये भी जानिए जो ऑडियंस है उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, और उनका जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्पीच देना है, अपना प्रेजेंटेशन देना है। टेलर योर प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, आपको जो आपका प्रेजेंटेशन है वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करना है आपको। बी कंक्रीट, स्पेसिफिक, प्रैक्टिकल एंड रेलिवेंट ना, तो आप ये ध्यान रखिए कि काफी स्पेसिफिक रहिए, प्रैक्टिकल और रेलिवेंट जो है अपने टॉपिक पे रहिए। बी क्लियरली अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, आपका क्या उद्देश्य है उसके प्रति भी आपका एकदम क्लियर कट जो है थिंकिंग
थिंक होना चाहिए टू मोटिवेट, इन्फॉर्म, पर्सुएट, टीच, क्या करना है इसके प्रति आपका क्लियर कट आइडिया होनी चाहिए। रिसर्च योर टॉपिक थ्रूली, ना आप बार बार उस टॉपिक को रिसर्च कीजिए, खोजिए कि मतलब हमें क्या इसके माध्यम से देना है। बेशक जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड भी निकल जाते हैं, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन भी कुछ गलत हो जाता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए आप जो बताना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगेन स्टेप सेकंड, डेवलपिंग ए फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग स्ट्रक्चर। आफ्टर नोइंग व्हाट यू हैव टू से, ऑर्गेनाइज मटेरियल स्ट्रक्चरली ना। अब जो है आप ये जान गए कि आपको क्या कहना है, तो आप अपने जो मटेरियल आपका है उसको, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए प्रेजेंटेशन का। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। डोंट अज्यूम दैट इंफॉर्मेशन विल स्पीक बाय इटसेल्फ। आप ये भी नहीं बोलिए, सोच लीजिए कि प्रेजेंटेशन में मैंने सारा स्लाइड लिख दिया, बच्चे समझ पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे। नहीं, आप उसको, आपको एक्सप्लेन करना है। इसलिए अज्यूम नहीं कीजिए कि मेरा राइटअप, मेरा पीडीएफ ऑलरेडी उनको जो वहाँ मौजूद है वो पढ़ के समझ जाएंगे। ओके, ऑडियंस माइट इंटरप्रिट इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वे। यानी जो ऑडियंस है, जो श्रोता है, वो आपका इंफॉर्मेशन को भिन्न भिन्न तरीके से उसका अर्थ लगाएंगे, इसलिए आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है ना। थिंक ऑन हाउ यू कैन होल्ड द अटेंशन। ये भी सोचिए कि आप कैसे अटेंशन को होल्ड रख पाइएगा। हाउ कैन यू जस्टिफाई योर आइडियाज, आप अपने आइडियाज को कैसे जस्टिफाई कीजिएगा। थिंक फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, आप जो है श्रोता के जो सोचने का तरीका है, जो नजरिया है, उस नजरिया से आपको देखना होगा। ओके, हाउ कैन यू कन्विंस द ऑडियंस। और ये भी देखिए कि आप किस तरीके से ऑडियंस को कन्विंस कर सकते हैं, कैसे उनको मना सकते हैं। पॉइंटर्स टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज, कौन वो पॉइंटर्स हैं जो आपके आइडिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए। प्रोवाइड एन आउटलाइन और ए रोड मैप। पहले तो एक आउटलाइन जो हम बोलते हैं ना फर्स्ट स्लाइड में, इसके माध्यम से हम क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या आपको पढ़ाने जा रहे हैं, क्या आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसका क्लियर कट एक जो है आउटलाइन होना चाहिए। प्रोवाइड द इंटेंडेड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एंड ग्राउंड रूल्स ना। आप जो है कि जो इंटेंडेड आपका और जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है उसको बिल्कुल क्लियरली आप उनको प्रदान कीजिए। और ग्राउंड रूल्स है कि आप भाई आफ्टर दिस सेशन व्हाट वुड बी इनकल्केटेड इन यू। जैसे कि हम लोग लेक्चर लेते हैं तो क्या कहते हैं कि आफ्टर दिस सेशन यू विल बी एबल टू प्रेजेंट योर कंटेंट इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली। यानी मैं बताया कि आप जैसे ही ये लेक्चर देखते हैं तो आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी कि आप अपने कंटेंट को ना, अपने मटेरियल को इफिशियंटली जो है और इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाएंगे। सो प्लान वेज टू एनकरेज ऑडियंस पार्टिसिपेशन। ये भी वेज आप प्लान कीजिए कि उनको उत्साहित कीजिए कि वो ऑडियंस पार्टिसिपेट करें आपके प्रेजेंटेशन में। देन मेंटेन क्रेडिबिलिटी एंड डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स। जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, उसको आप मेंटेन रखिए, ठीक ना। और इसके क्या फायदा है, इसके क्या नुकसान है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। कंक्लूड ऑन हाई नोट्स, यानी कि जो है आप कंक्लूड करते हैं, जब फाइनल ए करते हैं, वो भी आपको एक बुलंद आवाज में, एक बुलंद थिंकिंग के साथ उसको कंक्लूड करना है। इंक्लूड एन ओवरऑल समरी एंड प्रपोज एक्शन। इनकॉर्पोरेट विजुअल एड्स, ग्राफिक, ग्राफ्स, चार्ट्स। यानी कि आप पहले तो जो है इंक्लूड ओवरऑल समरी, आपने क्या किया उसको भी इंक्लूड कीजिए, और प्रपोज्ड एक्शन क्या है उसका भी आप मेंशन कीजिए। देन इनकॉर्पोरेट विजुअल एड्स ना, ग्राफ्स, चार्ट, यदि कोई उस तरह की पहेली टाइप का है, कुछ किसी को आप समझाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप विजुअल एड्स का भी और ग्राफ्स का भी प्रयोग कर सकते हैं उसको समझाने के लिए। प्रिपेयर फॉर कंटीजेंसी, कोई ऐसी आकस्मिकता आती है, कुछ इस तरह की घटना होती है, उसके लिए आप बिल्कुल ही प्रिपेयर रहिए ना, कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, लाइट ऑफ हो सकता है ना, तो उस कंडीशन में मेरा पीपीटी ऑटोमेटिक बंद हो जाए, फिर मैं क्या करूँगा, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। देन स्टेप थर्ड, प्रेजेंटेशन स्किल।
स्टाइल एंड पर्सनल कॉन्फिडेंस आर एज इम्पोर्टेंट एज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन इटसेल्फ ना। तो आपका जो पर्सनल कॉन्फिडेंस है और जो प्रेजेंटेशन की जो स्टाइल है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका कंटेंट जो कि आप बनाए हैं ना। और प्रेजेंटेशन स्टाइल में क्या, जैसे देखिए कि यूज हॉमर अप्रोप्रिएटली, वॉइस टोन, कब हमको अप करना है, कब हमें डाउन करना है ना, अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज ना, देन एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल, बी माइंडफुल ऑफ निगेटिव गेस्चर। ये सारी चीज जो है प्रेजेंटेशन स्काइल, ये जितने भी पॉइंट यहाँ दिया गया ये कहीं ना कहीं आपको जो ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये स्किल आप काम आएगी। अगेन फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज हैंडलिंग क्वेश्चंस एंड चैलेंजेस। अब देखिए एंटीसिपेट क्वेश्चन एंड प्रिपेयर रिस्पॉन्सेज, यानी कुछ संभावित क्वेश्चन होंगे, कुछ पूर्वानुमानित क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए और उसका रिस्पॉन्स अपने आप में किए। रिहर्स आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, यानी रिहर्सल जिसको हम बोलते हैं कि आप बार बार उसको रिहर्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए वैसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता है, जो वीक पॉइंट होता है, ये ध्यान रखिए कि वहां से क्वेश्चन रेज होगा ही होगा, इसलिए आप पहले ही प्रिपेयर रहिए उसके लिए। देन ऑब्टेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना भी उस पर रखिए, प्राप्त कर लीजिए। यूज क्वेश्चन टू स्ट्रेंथन योर मेन एग्री, व्हाट इज दिस, दैट इज द एग्रीमेंट। ओके सो यूज क्वेश्चन टू स्ट्रेंथन योर मेन एग्रीमेंट ना। वैसे क्वेश्चन अपने आप को और ये जो अपनी जो आप स्वीकृति है उसको मजबूत करने के लिए उस तरह के क्वेश्चन अपने पास रखिए, उसका आंसर अपने पास रखिए। देन आस्क थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन ना, उस तरीके के क्वेश्चन कीजिए जो कि एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि विचार को उत्पन्न करता है, या हम कह सकते हैं कि कुछ सोचने के लिए बाध्य करता है ना, वैसे क्वेश्चन आप रखिए या पूछिए। देन आस्क ओपन इंडेड क्वेश्चन, ये भी हो सकता है ओपन इंडेड क्वेश्चन, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। डू नॉट डिग्रेस, दैट इज यानी कि आप जो टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो कंटेंट पर दे रहे हैं, उसके आप भटकिए नहीं, उसके यानी अपने विषय वस्तु से आप नहीं भटकिए। देन बी ऑनेस्ट, इफ यू डोंट नो द आंसर देन से शो, यानी आप यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो ऑनेस्ट रहिए, कह दीजिए सॉरी आई एम अनेबल टू रिकॉल इट, या हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टाइम आपको हम बता देंगे, या ये कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा, आप पूछ सकते हैं बाद में। लेकिन बी ऑनेस्ट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। कंट्रोल हाईजैकर्स, एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी आप देखिएगा कि वैसे लोग भी मौजूद रहते हैं जो कि आपके प्रेजेंटेशन को ही हाईजैक करें। कैसे हाईजैक करें, कि आप कहीं और टॉपिक पर जा रहे हैं, आपको कहीं और क्वेश्चन के माध्यम से ले गए, और आप जो कंटेंट डिलीवर करना था आपको, जो एक्सपेक्टेड ऑडियंस थे और जो उनका एक्सपेक्टेशन था कि मैं ये लेक्चर के माध्यम से ये लर्न करूंगा, वो नहीं लर्न करने देंगे, क्योंकि वो आपको हाईजेकर्स क्वेश्चन के माध्यम से योर ट्रैक से आपको डाइवर्ट कर देंगे। तो इन चीजों के लिए भी आप रेडी रहिए। ओके सो थैंक यू, इतना ही। नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे डिस्कस करेंगे, और दैट इज इन लेक्चर 10। यदि आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास में, या मेरा अभी जो आप डाउट क्लास में अपने सारे डाउट को डिस्कस कर सकते हैं जो मीट कर लूंगा। उसके बाद भी यदि कोई क्वेश्चन है आप पहले इसको देख लीजिए है ना, और उसके बाद यदि कोई डाउट आता है तो हम आपके डाउट को क्लियर करने के लिए रेडी हैं। ओके ओके थैंक यू वंस अगेन।